हेलो स्टूडेंट्स आप सभी क्विज को सिंसियरली अटेम्प्ट कर रहे होंगे आई होप सो तो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है द वैंट ऑफ फैक्टर फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एन एच एस बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन आप इस क्वेश्चन को टाइम लिमिट तो एन ए एच एस ओ फोर जानते हो ये स्प्लिट होता है एन ए प्लस और एच एस ओ फोर माइनस में अब एच एस माइनस और फर्दर टूट जाता है इन टू एच प्लस एंड सल्फेट आयन तो यहाँ टोटल मिलाकर कितने सारे आय जनरेट हो रहे हैं वन टू एंड थ्री तो हमारे आई की वैल्यू हो जाएगी थ्री अपॉन वन दैट इज थ्री सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर टू

सोल्यूट के पार्टिकल्स ट्रैप्ड है यहां पर है सोल्यूट का पार्टिकल ये ग्रीन ग्रीन वाला ठीक है तो ये पूरा एक सोल्यूशन बना हुआ है अब क्या हो रहा है हम इसे फ्रीज कर रहे हैं ठीक है ना तो फ्रीज करने पे क्या होता है कि हमारा जो सॉल्वेंट है सॉल्वेंट मतलब जो रेड में बनाया सॉल्वेंट वो क्या होगा वो फ्रीज हो जाएगा फ्रीज हो जाएगा फ्रीजिंग स्टार्ट हो गई है सॉल्वेंट फ्रीज हो गया लेकिन अब इस फ्रोजन सॉल्वेंट में जो ग्रीन वाला सल्यूट है वो सोलबल नहीं होता इट मीन फ्रोजन सॉल्वेंट ग्रीन सॉल्यूट को डिजोल्व नहीं किया सॉल्यूट को डिजोल्व कौन किया था लिक्विड सॉल्वेंट तो इसका मतलब है हमारा जो सॉल्यूट है वो अभी भी जो रिमेनिंग लिक्विड सॉल्वेंट है उनमें ट्रैपड रहेगा यहाँ पर एक भी सॉल्यूट नहीं आएगा क्योंकि सॉल्यूट की टेंडेंसी थी टू रिमेन इन लिक्विड सॉल्वेंट ठीक है तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि जब भी कभी एक सॉल्यूशन फ्रीज करता है तो हमेशा उसके जो सॉल्वेंट वाले कंपोनेंट है ना वो फ्रीज करते हैं सॉल्यूट वाला कंपोनेंट कभी भी सॉलिड पार्ट के साथ जाकर मिक्स नहीं होता ओके तो अब देखो यहां पर हम समझ सकते हैं कि इस केस में इक्विलिब्रियम किसके बीच में एग्जिस्ट करती होगी लिक्विड सॉल्वेंट एंड सॉलिड सॉल्वेंट के बीच में सॉल्यूट का इस फ्रीजिंग में कोई रोल नहीं है कोई पार्टिसिपेशन नहीं है डायरेक्टली ओके सॉल्यूट कभी भी उस फ्रोजन पार्ट का पार्ट नहीं बनेगा ओके okay? तो तो फिर हमारा आंसर क्या जाएगा? सेकंड में आंसर विल बी सी लिक्विड सॉल्वेंट एंड सॉलिड सॉल्वेंट के बीच में इक्विलिब्रियम होता है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following colligative properties can provide molar mass of proteins? Okay, तो मोलर मास ऑफ प्रोटीन या फिर मैक्रो के मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए जो सबसे कॉमन प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं, that is � ऑस्मोटिक प्रेशर आप थेरी से जानते हो या आप पढ़ चुके हो इसकी हेल्प से हम डिटरमिन करते हैं डिटम वी डिटरमिन मास ऑफ मोलर मास ऑफ मैक्रो मैक्रो मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल आप जानते हो कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स कार्ब प्रोटीन्स पॉलीमर्स इन सभी के वेट हम कैलकुलेट करते हैं मोलर वेट ऑस्मोटिक प्रेशर की हेल्प से सो so, ये काफी थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन था ऑप्शन नंबर डी कमिंग टू क्वेश्चन फोर। द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड विल डिक्रीज इफ तो ये तो आप बहुत अच्छे से जानते होगे कि एक लिक्विड का वेपर प्रेशर सिर्फ दो बातों पे डिपेंड करता है एक है नेचर ऑफ लिक्विड इटसेल्फ उस लिक्विड की क्या नेचर है ठीक है और दूसरा है टेम्परेचर इनको छोड़कर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर किसी भी और फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता ओके तो सिर्फ दो फैक्टर्स हैं जिन पे वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा तो अब हम देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ अ गिवन लिक्विड विल डिक्रीज इफ इफ द टेम्परेचर इज डिक्रीज ऊपर का तो ऑप्शन हमारा है सरफेस एरिया नो इफेक्ट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड नो इफेक्ट वॉल्यूम ऑफ वेपर फेज इन नहीं सबका कोई इफेक्ट नहीं है ठीक है ना तो सिर्फ नेचर ऑफ लिक्विड एंड टेम्परेचर वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा कमिंग टू क्वेश्चन नंबर अब इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से बड़े अच्छे से समझना ये जो ग्राफ है ना ये ग्राफ ट्रिपल पॉइंट को डिनोट कर रहा होता है अब क्या ग्राफ है उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं देखिए हमने एक प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट किया ओके okay? अब मुझे क्या करना है सॉलिड लिक्विड और गैसेस कौन कौन से रिजन को बिलोंग करते होंगे ये मुझे इस ग्राफ में कहीं ना कहीं ग्रॉस वे में लोकेट करना है ओके okay? तो आप ये बताओ कि अगर कभी प्रेशर की वैल्यू बहुत कम हो प्रेशर बहुत कम है ठीक है और टेम्परेचर बहुत ज्यादा है टेम्परेचर बहुत हाई करके रखा है और प्रेशर बहुत कम करके रखा है तो इस केस में क्या टेंडेंसी होती है एक सब्सटेंस की एक सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है जब टेम्परेचर बहुत हाई हो और प्रेशर बहुत कम हो ठीक नाउ हम क्या कर रहे हैं प्रेशर को बहुत ज्यादा कर दिए और टेम्परेचर को हमने बहुत कम कर दिया पढ़े हो आप सॉलिडिफिकेशन ऑफ गैसेस अगर कभी भी प्रेशर बहुत ज्यादा कर दिया जाए टेम्परेचर को कम कर दिया जाए तो एक गैस भी सॉलिडिफाई हो जाता है राइट तो हम कह सकते हैं कि कभी अगर प्रेशर ज्यादा टेम्परेचर कम हो तो टेंडेंसी होती है सॉलिड फेज में एक सब्सटेंस की एग्जिस्ट करने की और अगर मान लो आपके पास प्रेशर भी इंटरमीडिएट है और टेम्परेचर भी इंटरमीडिएट है तो उस केस में कौन एग्जिस्ट करेगा इंटरमीडिएट वाला जो फेज है अब चलो यहां करते हैं. तो टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा करेंगे प्रेशर को कम रखेंगे प्रेशर कम है टेम्परेचर ज्यादा है मीन्स कुछ ये वाला रिजन इस रिजन में कौन सा फेज एग्जिस्ट करेगा जब प्रेशर कम है टेम्परेचर ज्यादा है गैसियस फेज गैशियस फेज ओके नाउ प्रेशर की वैल्यू बहुत अधिक टेम्परेचर कम प्रेशर बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ टेम्परेचर कम लेफ्ट की तरफ इसका मतलब है यहां पर यहां पर कौन सा फेज एग्जिस्ट करेगा सॉलिड फेज सॉलिड फेज और अब हम इंटरमीडिएट रिजन में आ जाते हैं इंटरमीडिएट रीजन हमारा ये वाला है इस रीजन में एग्जिस्ट करेगा लिक्विड फेज फाइन अब इस ग्राफ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो एक ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं एक ग्राफ ड्रॉ किया यहाँ पे एक हाई स्लोप का ग्राफ एक थोड़े कम स्लोप का ग्राफ और एक इधर ग्राफ चलो इस लाइन पे कॉन्सेंट्रेट करना ये वाला जो लाइन है ये वाला लाइन इसके ऊपर लिक्विड फेज एग्जिस्ट करेगी इसके नीचे गैश फेज एग्जिस्ट करेगा और इस लाइन पे ये वाले लाइन पे कौन सा फेज एग्जिस्ट मतलब है, इस पे लिक्विड फेज में भी हो सकता है और गैश लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है तो आप ये मीनिंग समझ गए हो लिक्विड और गैस दोनों अगर सेम टेम्परेचर प्रेशर पे को एग्जिस्ट तो उसी टेम्परेचर को आप बोलते हो बॉइलिंग पॉइंट है ना तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है लिक्विड और गैस दोनों ही को एग्जिस्ट करते हैं राइट इट मींस इस लिक्विड के लिए ये पूरा जो ये ग्राफ बना हुआ है ये बॉइलिंग पॉइंट को डिनोट कर रहा होगा fine? चलो नेक्स्ट हम यहां पर आते हैं इस ग्राफ में ये वाला जो ग्राफ है यहां से लेकर यहां तक इस ग्राफ को देखो ये लाइन है जिस लाइन पे सॉलिड और लिक्विड दोनों फेस एग्जिस्ट कर रहे होंगे सॉलिड और लिक्विड दोनों फेज एग्जिस्ट करे तो आप जानते हो उस ग्राफ को क्या या फिर उस पॉइंट को क्या बोला जाता है मेल्टिंग पॉइंट राइट तो सॉलिड लिक्विड ये पूरा ग्राफ ये वाला ग्राफ कर रहा है मेल्टिंग जो ग्राफ है इस पर कौन एग्जिस्ट करता होगा इधर का सॉलिड और इधर वाला गैस इसका मतलब है सॉलिड से गैस की कन्वर्जन मीन्स सब्लिमेशन सो दिसमेशन दिस ग्राफ

ये जो ग्राफ है ये हमारा बॉयलिंग का ग्राफ है राइट तो बॉयलिंग के ग्राफ में पर्टिकुलर पॉइंट एक पॉइंट लिया इसके करस्पॉन्डिंग कुछ ये वाला प्रेशर आएगा इस जगह पे प्रेशर आएगा यहाँ पे एक प्रेशर आएगा सेम वे हम इसे करस्पॉन्डिंग यहाँ पे टेम्परेचर भी प्लॉट कर सकते हैं तो इस पर्टिकुलर टाइम पे ये वाला प्रेशर और ये वाला टेम्परेचर तो इस प्रेशर पे ये वाले टेम्परेचर पे ये लिक्विड बॉइल करेगा अगर हम मान लो प्रेशर को ज्यादा कर दें अगर हम प्रेशर को यहां पर भेज दें प्रेशर को बढ़ा दिया ठीक है तो साथ ही साथ बॉइलिंग टेम्परेचर भी बढ़ जाएगी तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं इन ली शाटल प्रिंसिपल राइट सो तो, अभी फिलहाल हमारा क्वेश्चन बड़ा ही छोटा सा था क्वेश्चन क्या था अंडर सर्टन कंडीशन यू टू मेल्स राधर कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड सब्लाइन नहीं हो रहा Instead, वो क्या हो रहा है वो मेल्ट हो रहा है तो टू विच ट्रांजिशन कौन से ट्रांजिशन को ये पर्टिकुलर बात बिलोंग करेगी फाइन तो मेल्टिंग किसको बिलोंग करती है मेल्टिंग तो ये वाला लाइन है ना मेल्टिंग का ये वाला लाइन है मेल्टिंग का तो इस लाइन को हम किससे डिनोट करेंगे ए टू बी ये ए रीजन है ये बी रीजन है और ए टू बी लाइन को आप बोल दोगे मेल्टिंग की लाइन फाइन तो यहाँ तो हमारा ऑप्शन ए आ गया ओके okay. और एक बात और आपको यहाँ बता दू फॉर जस्ट नॉलेज कि देखो इस लाइन पे तो लिक्विड गैस दोनों एग्जिस्ट करता है ये वाले लाइन पे सॉलिड लिक्विड एग्जिस्ट करता है इस वाले लाइन पे सॉलिड और गैस एग्जिस्ट करता है लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा लाइन बन रहा है एक बहुत ही अच्छा सा पॉइंट बना है ये वाला पॉइंट इस पॉइंट को देखना इस पॉइंट पे साइमल्टेनियसली सॉलिड लिक्विड एंड गैस तीनों ही फेज एग्जिस्ट करती है और इस पॉइंट को हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ओके तो ये वाला जो पॉइंट है इसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर और इसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर आप देख सकते हो किसी भी गैस के लिए या किसी भी सब्सटेंस के लिए ट्रिपल पॉइंट बोलेंगे उसे फाइन नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर सिक्स अगेन क्वेश्चन नंबर सिक्स इजी क्वेश्चन अ सैंपल ऑफ वोलेटाइल लिक्विड इज इंट्रोड्यूस टू इवेक्टेड कंटेनर विद अ मूवेबल पिस्टन which change occurs as piston is raised to ye hamara hai ek chamber is chamber mein rakh diya is chamber mein rakh diya volatile liquid aur volatile liquid kya kiya hoga aapko pata hai volatile liquid थोड़ा बहुत vapors भी form किया होगा ना थोड़ा बहुत vapors form किया होगा ये green वाला vapors ऐसे बने हुए हैं इस volatile liquid के और यहाँ ये liquid है अब क्या हो रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि देखो जो आपने पिस्टन यहाँ लगाया ये वाला पिस्टन इस पिस्टन को हमने थोड़ा रेज कर दिया फाइन तो पिस्टन को आप रेस कर दो और ऊपर कर दो पिस्टन को पिस्टन को और ऊपर कर दो पिस्टन को अगर हम रेस कर देंगे तो आपको पता है वॉल्यूम बढ़ जाएगी है ना वॉल्यूम ऑफ कंटेनर विल इंक्रीज तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इंक्रीज हो गई वॉल्यूम हैज इंक्रीज फाइन चलो एक बात है यहाँ पर पता है आपको अंदर जो वेपस बने हुए हैं ना ये एक लिक्विड के वेपस बने हैं और लिक्विड के जो वेपस बनते हैं उनके कारण जो प्रेशर होता है उसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं और वेपर प्रेशर सिर्फ दो बातों पे डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड एंड टेम्परेचर हमने टेम्परेचर तो बदला नहीं नेचर ऑफ लिक्विड तो बदला नहीं लिक्विड तो सेम रखा है इसका मतलब जितना वेपर प्रेशर इस लिक्विड का यहाँ पर आना चाहिए उतना ही वेपर प्रेशर यहाँ पर भी आना चाहिए तो वेपर प्रेशर दोनों ही केस में सेम रहेंगे वेपर प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट, विल रिमेन कांस्टेंट इन बोथ दीज केसेस फाइन अब बात तो ये है कि देखो यहाँ पर आपने वॉल्यूम को बढ़ा दिया है पहले यहां तक था अब इसको इधर तक कर दिया वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया वॉल्यूम को इंक्रीज करने से वेपर प्रेशर चेंज नहीं होगी वेपर प्रेशर विल रिमेन सेम अब क्या तरीका है वॉल्यूम को बढ़ा दियो और चाहते हो वेपर प्रेशर सेम रहे तो प्रेशर को अगर सेम रखना है तो यहां पे नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज होना होगा है ना प्रेशर सेम चाहते हो वॉल्यूम बढ़ा दिया है तो नंबर ऑफ मोल्स मस्ट इंक्रीज तो इसे हम अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन से भी देख लेते हैं PV is equal to NRT को पहचानते हो बहुत बढ़िया से प्रेशर तो रहेगा कॉन्टेंट आर टी के बारे में कुछ बोला नहीं आर ऑलवेज टी आर ऑलवेज कॉन्स्टेंट टी तो अभी कॉन्स्टेंट है हम क्या कर रहे हैं हमने वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया तो नंबर ऑफ मोल्स शुड इंक्रीज टू कीप वेपर प्रेशर कॉन्स्टेंट ओके तो ये जो वेपर प्रेशर है ना ये आपके नॉर्मल गैस का प्रेशर नहीं है ये वेपर प्रेशर है तो गैस का जो प्रेशर होता था वो तो स्टेट्स ऑफ मैटर में हम पढ़ते थे वॉल्यूम बढ़ाया घटाया प्रेशर भी इधर उधर चेंज हो गया बट यहां ऐसा नहीं होगा ये वेपर प्रेशर है ठीक है फर्क है तो वेपर प्रेशर अगर आप कुछ भी कर लो वेपर प्रेशर सिर्फ दो बातों से चेंज होता है अदरवाइज वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है अपने आप को एडजस्ट कर लेगा ठीक है ना तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है मींस द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गैस विल इंक्रीज फाइन तो फिर हम सिक्स का ए ऑप्शन बताएंगे नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर सेवन सेवन एक इजी सा क्वेश्चन है और ये मोल कॉन्सेप्ट को बिलोंग करता है बेसिकली क्या कह रहा है वॉल्यूम ऑफ 500 ml 500 ml का एक आपके पास सोल्यूशन है 600 पार्ट्स पर मिलियन सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज इज प्रोवाइडेड टू यू ओके तो इसमें सुक्रोज की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है 600 पार्ट्स पर मिलियन व्हाट वॉल्यूम ऑफ दिस सोलून इज इन 0.15 ग्राम ऑफ सुक्रोज ओके तो इन्फॉर्मेशन गिवन है सुक्रोज की और क्वेश्चन पूछ रहा है अबाउट सल्यूशन पहले तो हम देख ले कि क्या मतलब है जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसका सिक्स पीपीएम Means. इसका मतलब क्या होता है 600 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज प्रेजेंट इन इन 10 टू 6 ग्राम ऑफ सल्यूशन फाइन ओके नाउ क्वेश्चन दिया इंफॉर्मेशन सुक्रोज की पूछता है सोल्यूशन तो सुक्रोज को हम यूनिटरी मेथड में लेफ्ट में रखेंगे ठीक है जो दिया रहता है उसको लेफ्ट में रखो तो क्वेश्चन दिया है सिक्स हंड्रेड ग्राम ऑफ सुक्रोस इज प्रेजेंट इन टेन टू दिक्स ग्राम ऑफ सल्यूशनोज कितने में रहेगा टेन टू दिक्स अपॉन सिक्स हंड्रेड ग्राम ऑफ सोल्यूशन में रहेगा और जीरो पॉइंट वन फाइव ग्राम ऑफ सुक्रोज कितने में रहेगा टेन टू दी पावर सिक्स अपॉन सिक्स हंड्रेड इन टू जीरो पॉइंट वन फाइव ग्राम ऑफ सल्यूशन में रहेगा ठीक है तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा टू फिफ्टी ग्राम ऑफ सल्यूशन तो मैम ये क्या किया आपने क्वेश्चन तो हमसे वॉल्यूम पूछा था और आप हमें वेट बता रहे हो सोल्यूशन का राइट तो क्या बात है कि ये जो सल्यूशन हमारा है ये सोल्यूशन पानी में बना हुआ है और मैं आपको बता दूं सॉल्यूशन बहुत ही डाइल्यूट है 600 ppm 10 लाख ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स ओनली 600 ग्राम ऑफ सुक्रोस तो सॉल्यूशन बहुत ही डाइल्यूट है सॉल्यूशन में जो मेजर क्वांटिटी है वो वाटर की है और वाटर की डेंसिटी आप जानते हो 1 ग्राम पर ml इसका मतलब है कि ये 250 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्विवेलेंट टू 250 ml ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ओके

ठीक है फिर आपसे कहता है कि बताओ मोलर वेट ऑफ बेंजोइक एसिड कितना है तो यार आप तो बोलोगे कि बेंजोइक एसिड का हम जानते हैं उसका मोलर वेट बता देंगे तो ऐसा तो नहीं होगा ना क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछ रहा है इसका मतलब कुछ ना कुछ तो हो रहा है तो क्या बात है कि जो बेंजोइक एसिड जैसे ही बेंजीन में मिक्स हुआ बेंजीन के अंदर गया कुछ बात हुई है और उसका जो मोलर वेट आ रहा है कैलकुलेट करने पे वो कुछ डिफरेंट आ रहा है इतनी बात है तो मोलर वेट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा थ्रू एक्सपेरिमेंट ये तो पक्का हो गया है फाइन अब देखते हैं क्या क्या है तो पढ़ा होगा सुना होगा रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है ना

अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका तो आपको पता है ना गिवन वेट अपॉन मोलर वेट अब मैंने खुद का जानकर तो वन मोल बेंजोइक एसिड का मिलाया था ठीक है और हम तो बाहर बाहर से जानते हैं कि देखो जब बाहर रहता है बेंजोइक एसिड किसी सॉल्वेंट में मिक्स नहीं है तो बेंजोइक एसिड की मोलर वेट तो हमें पता है कैलकुलेट करने पे तो बेंजोइक एसिड ये तो हमें मालूम है बेंजोइक एसिड का मोलर वेट वेट ऑफ बेंजोइक एसिड वेट ऑफ बेंजोइक एसिड अपॉन अपॉन मोलर वेट ऑफ बेंजोइक एसिड ये मोलर वेट मालूम नहीं है ठीक है ना हमने जो वेट मिलाया वो हमें पता है एक, एक मोल मिलाया और एक मोल को हम तो नॉर्मली हवा में जब तक बेंजोइक एसिड रहता है तब तक तो हम उसे 122 ग्राम ही जानते हैं बेंजिन डालने के बाद उसका क्या होगा ये हमें फिलहाल नहीं पता है ओके

और जब आप x को सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन से तो आपको आंसर मिलेगा 244 ग्राम। इट मोलर वेट ऑफ बेंजोइक एसिड 244 ग्राम आ रहा है बेंजीन के अंदर। तो कुछ हुआ होगा क्या हुआ होगा जरूर बेंजीन की डाइमराइजेशन हो गई होगी है ना 122 ग्राम नॉर्मली होता है अंदर कैलकुलेट कर रहे हैं तो 244 ग्राम आ रहा है इसका मतलब है कि दो मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन एक साथ एग्जिस्ट कर रहा होगा फाइन सो ऑप्शन नंबर बी

रिलेटिव ओवरिंग ऑफ पेपर प्रेशर तो बोल दिया ना 5% है तो 5% है 5% इज इक्वल टू काई ऑफ सॉल्यूट काई ऑफ सॉल्यूट ये काई है काई ऑफ सॉल्यूट दैट इज इक्वल टू पॉइंट ज़ेरो फाइव आ रहा है अब मोलालिटी पूछ रहा है ना इस सल्यूशन की जिसमें काई ऑफ सॉल्यूट इज पॉइंट ज़ेरो फा� तो एक बहुत फेमस सा फॉर्मूला मोलालिटी का आप याद किए हो इन स्टोकोमेट्री मोलालिटी इज इक्वल टू तो काई बी का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अपॉन वन माइनस काई बी इन टू अपॉन मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट राइट तो ये फॉर्मूला फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टोक्यो में तो याद करना था और फिर याद करके भूलना नहीं था तो ये एम की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे काइबी की वैल्यू पुट करो काइबी तो .05 पुट कर दिया ना 1- .05 इनटू 1000 अपॉन ये जो है ना मे ये होता है मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट ठीक है काइबी सॉल्यूट का है और ये जो मे है ये है मोलर वेट ऑफ मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट फाइन थाउजेंड अपॉन एटीन सोल्व करने पे एम की वैल्यू टू पॉइंट नाइन अप्रोक्सीमेटली थ्री आ जाएगी सो विल गो बाई द ऑप्शन नाइन्थ का डी नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राम ऑफ अल्यूट इन हंड्रेड ग्राम वोटर मेक्सलूशन फ्री सैट माइनस वन इट मीन इट मींस डेल्टा टी एफ तो जानते हो के एफ इन टू एम होता है ना और डेल्टा uh, टीएफ अभी कितना दिख रहा है माइनस वन बोल दिया इसका मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज वन दिस इज इक्वल टू के एफ इन टू एम मोलैलिटी और मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट फिफ्टीन अपॉन जो भी सल्यूट का मोलर वेट है पर के जी ऑफ सॉल्वेंट हंड्रेड ग्राम दिया है पानी का तो उसको के जी में चेंज कर दिया ठीक है नाउ अब बोलता है कि थर्टी ग्राम ऑफ सल्यूट अगर हम मिक्स किए होते तो क्या होता डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो पता नहीं डिप्रेशन क्या है लेकिन लेकिन हमने मिक्स कितना किया है थर्टी इंटू वन थाउजेंड मोलर वेट तो अभी भी वही रहेगा उस सॉल्यूट का हम ज्यादा कम सब्सटेंस मिक्स करेंगे उससे मोलर वेट तो नहीं बदलेगा ना तो अब यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो ये जो आपको पता नहीं है ये आपको पता चल जाएगा इसकी वैल्यू आ जाएगी टू इट मीन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज नाउ इक्वल टू डिग्री सेल्सियस तो तो ये सिंपलेस्ट तो क्वेश्चन है सोलूशन टॉपिक का सिंपलेस्ट क्वेश्चन और सिंपलेस्ट फॉर्मूला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन क्वेश्चन इलेवन टू हैविंग वेपर प्रेशर पी नॉट वन एंड पी नॉट टू इन प्योर स्टेट इज अच्छा तो क्या है कि जो हमारा प्रेशर है प्योर स्टेट का प्रेशर उसकी रेशियो गिवन है टू इज टू वन और उसे हम मिक्स कर दिए हैं ठीक है एंड इन द मोलर रेशियो ऑफ वन इज टू टू और वो जो सब्सटेंस हैं उनकी मोलर रेशियो आपस की है वन इज टू टू द रेशियो ऑफ देयर मोल्स इन वेपर स्टेट वुड बी तो जरूर आपको दो फॉर्मूला याद होगा एक फॉर्मूला फॉर मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट और दूसरा फॉर्मूला फॉर मोल फ्रैक्शन इन वेपर स्टेट दोनों बहुत ही बढ़िया से याद रखना है आपको ठीक है तो स्टार्ट करते हैं दिया हुआ है पी नॉट पी नॉट वन पी नॉट वन ओके पी नॉट वन अपॉन पी नॉट टू पी नॉट टू इज इक्वल टू टू इज टू वन और एक दिया हुआ है एन वन इज टू एन टू इज इक्वल टू वन इज टू टू ओके ये केव इक्वेशन क्वेश्चन में तो चलिए सॉल्व करते हैं सबसे फर्स्ट फॉर्मूला मोस्ट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सा फॉर्मूला होता है ये पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए काइए प्लस पी नॉट बी काई बी और इस फॉर्मूले में जो आपका काई ए और काई बी है ये मोल फ्रैक्शन है इन लिक्विड स्टेट वैल्यू पुट करते जाएंगे ये टू यूनिट है ये वन यूनिट है तो टू यूनिट टू यूनिट और ये है वन यूनिट और फिर इधर है वन यूनिट फ्रॉम हेयर अगेन एक्से पी नॉट बी इज वन इन टू एक काम करते हैं हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं काई और काई बी के टर्म्स में निकाल लेते हैं फॉर्मूले को तो पी नॉट ए की वैल्यू आप लिखोगे इट पी नॉट ए इसे लिखेंगे एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी और इसको लिखोगे पी नॉट बी इन टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी राइट चलो वैल्यू पुट करते जाते हैं यूनिट्स में हम पुट कर देंगे पी नॉट ए की वैल्यू पी नॉट ए की वैल्यू है टू ये कितना बनेगा एन वन अपॉन एन वन प्लस एन टू वन अपॉन थ्री वन अपॉन थ्री तो वन अपॉन वन प्लस टू प्लस दिस इज वन इन टू एन बी की वैल्यू एन बी एन बी इज टू अपॉन वन प्लस टू अगेन वन प्लस टू फाइन सो दिस इज टू अपॉन थ्री प्लस टू अपॉन थ्री एंड इट कम्स टू बी फोर अपॉन थ्री तो हमारी टोटल प्रेशर की वैल्यू आ गई और सेकेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मुला जो आपको याद रखना था उसे भी मैं लिख देती हूँ अपॉन पी नॉट ए प्लस वाई बी अपॉन पी नॉट बी यहां पर जो ये वाई ए और वाई बी है ये है मोल फ्रैक्शन इन वेपर स्टेट ओके तो चलो फिर कैलकुलेट करते हैं तो आ गया थ्री बाई फोर वाई ए पता नहीं वाई ए क्या है इसको y कर लेते हैं पी नॉट ए की वैल्यू तो हमने शुरू से टू यूनिट रखी थी प्लस देखो जो भी हो अगर वाई ए वाई है तो वाई बी कितना होगा वन माइनस वाई वन माइनस वाई क्योंकि समोटल ऑफ मोल फ्रैक्शन तो लिक्विड स्टेट हो या वेपर स्टेट हो वन ही होगा ना पी नॉट बी की वैल्यू कितना वन सो लेट्स सॉल्व अगेन तो इसको सॉल्व करने पे ये कितना बन रहा है टू हो गया वाई प्लस टू माइनस टू वाई और ये कैंसल होकर बना रहा है थ्री बाई टू इज इक्वल टू टू माइनस वाई एम्प्लाइस थ्री इज इक्वल टू फोर माइनस टू वाई और फिर यहां से आ गया टू वाई की वैल्यू वन इसका मतलब दोनों के ही मोल्स बराबर है आपस में तो क्योंकि दोनों के मोल बराबर है हम उनके मोल रेशो क्या बताएंगे वन इज टू वन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इस यूनिट टेस्ट ये जो आपका क्विज हुआ था इस क्विज में एक क्वेश्चन ही मुझे लगा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व जो थोड़ा लेंदी था अदरवाइज बाकी सारे क्वेश्चन काफी ईजी थे तो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व वैसे तो इजी है बट थोड़ा सा लेंदी था थोड़ा टाइम टेकिंग ओके समझते हैं क्वेश्चन को द प्लॉट ऑफ वन अपॉन एक्स ए वर्सेस वन अपॉन वाई ए where x a and y are the mole fractions of a in liquid and vapor phases samajh rahe ho respectively is linear with slope and intercept respectively as to keh rahe hain ki dekho ye jo plot aap bana rahe ho na ye jo graph banega 1 upon x a versus 1 upon y a ka ye linear to banega इसका slope क्या होगा और y-intercept क्या होगा ये बता दो और फिर option को देखा ऑप्शन है पी नॉट ए पी नॉट बी तो ऑप्शन में पी नॉट ए और पी नॉट बी दिख रहा है हमें ठीक है क्वेश्चन में हमें का दिख रहा है कहीं पर भी ना ही ऑप्शन में ना ही क्वेश्चन में हमें काई बी और वाई ए वाई बी काई बी एंड वाई बी ये कहीं नजर नहीं आ रहे तो आपका जितना भी इक्वेशन आप ड्रॉ करने वाले हो उन सभी इक्वेशन में आप वाई बी और प्लीज़ रिप्लेस कर देना बाई वन माइनस आपके इक्वेशन में आपके आंसर्स में ये टर्म्स नहीं होने चाहिए शुरू से ही ये कर लो ठीक है सो so दैट आपका आंसर आपके जो ऑप्शन है उनसे मैच करे तो लेट स्टार्ट फर्स्ट इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन वो सेम इक्वेशन है हमारा पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए का ठीक है लेकिन अभी आपसे कहा कि जहां कहीं भी आपको काई भी दिखे आप उसको रिप्लेस कर देना क्योंकि ऑप्शन में नजर नहीं आएगा काय भी ओके तो दिस इज इक्वल टू पी नॉट ए काइ ए प्लस पी नॉट बी इंटू वन माइनस ठीक है तो ये हमारा पहला जो है स्ट्रक्चर कैलेटन इक्वेशन मीन इक्वेशन बन गया अब और देखते हैं और क्या चाहिए होगा तो कहीं कहीं हमें वाई वाई भी दिख रहा है ना मोल फ्रैक्शन इन वेपर स्टेट वो भी नजर आ रहा है और आप जानते हो कि कभी भी हमें पार्शियल प्रेशर अगर बताना हो दिस इज फर्स्ट फॉर्मुला ओके दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला कभी भी अगर आपको पार्शल प्रेशर बताना होता है तो पार्शल प्रेशर सपोज पी ए का बताना है तो पार्शल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू टोटल प्रेशर ओवर सल्यूशन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ओवर द सोल्यूशन ये तो डाल्टन लॉ हो गया ना सोल्यूशन के ऊपर कितना टोटल प्रेशर है इन टू ए का क्या मोल फ्रैक्शन है इन दैट वेपर स्टेट विल गिव यू पार्शल प्रेशर ऑफ ए ये तो डेल्टन लॉ हो गया तो लॉ से हम पार्शल प्रेशर ऑफ ए जानते हैं और हम रॉल्स लॉ से भी पार्शल प्रेशर ऑफ ए जानते हैं वो क्या होता है प्योर कॉम्पोनेंट ऑफ ए अगर होता तो उसकी जो भी वेपर प्रेशर होती इन टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड स्टेट तो ये जो इक्वेशन है ये दोनों फॉर्मूला बार बार आपको यूज करना होगा सोल्यूशन टॉपिक में ठीक है तो इस फॉर्मूले से बहुत अच्छे से एक्वेंटेड रहना तो हमारा एक पहला ये फॉर्मूला आया सेकेंड ये वाला फॉर्मूला मिल गया अब बस रिप्लेस करना है वैल्यूज तो पीटी की वैल्यू जो आप यहां से निकाले हो पीटी की वैल्यू पीटी की ये वाली वैल्यू को आप इधर पीटी की ये वैल्यू को आप यहां पर रिप्लेस कर दो ओके चलो पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी इंटू वन माइनस काई ए ये तो पीटी की वैल्यू है हुँ? इसको मल्टीप्लाई करो वाई ए से एंड दिस इज इक्वल टू पी नॉट ए काइ ए काम लगभग हो गया है क्योंकि हमारा जो इक्वेशन है ना इस इक्वेशन में कहीं भी काई बी भी नहीं है वाई भी नहीं है तो हमें जो जो पैरामीटर्स चाहिए वो हमारे इक्वेशन में आ चुके हैं अब हमें बस इसे रीअरेंज करना है ओके चलो करना स्टार्ट करते हैं रीअरेंज तो वन अपॉन वाई ए सबसे पहले तो हमें वन अपॉन वाई ए चाहिए a लिखो क्या बनेगा वन अपॉन वाई ए विल बी इक्वल टू वन अपॉन वाई ए विल बी इक्वल टू पी नॉट ए का ए प्लस पी नॉट बी इन टू वन माइनस का ए डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई पी नॉट ए का समझ गए हो इस बात को तो वन अपॉन वाईए को आप ये लिख सकते हो ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दिया अब डिवाइड कर लेते हैं वन अपॉन वाई एज इक्वल टू वन प्लस पी नॉट बी पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए ठीक है डिवाइड करना है दोनों को इसको डिवाइड किया वन आ गया इसको डिवाइड कर लेते हैं क्या आता है देखते हैं अपॉन का ये सही आ गया डिवाइड कर दिया दोनों को नाउ अब बात ये है ना कि क्वेश्चन में हमसे ये चाहता है क्वेश्चन बोलता है कि देखो क्या करो आप वन अपॉन ए को एक्स एक्सिस में रखो तो वन अपॉन वाईए को हमें एक्स पे रखना होगा और वन अपॉन एक्स को हमें वाई एक्सेस पे रखना होगा और हमें पहुंचना है y mx c के फॉर्म में तो इसका मतलब हल्का फुल्का आपको लग चुका है आपको क्या करना है इसे एक साइड भेज देना है और एक्स को दूसरी साइड एम एक्स प्लस सी के साथ ठीक है चलो करते हैं आगे सॉल्व वाई को हमें सेक्लूड करना पड़ेगा अकेला करना पड़ेगा चलिए सॉल्व तो दिस इज वाई सॉल्व करते हैं आगे वन अपॉन वाई ए इज इक्वल टू वन प्लस वन प्लस पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए ए माइनस पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ओके एक्सपैंड कर दिया केवल अगेन इसको एक साइड में भेजो बाकी सबको एक साइड में भेज देते हैं एक्स हमें चाहिए हमें वन अपॉन एक्स से चाहिए सिंग लेफ्ट साइड में तो वन अपॉन से पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए इंटू ए इज इक्वल टू वन अपॉन वाई ए वन को इस साइड भेजते हैं माइनस वन बन जाएगा इसको इस साइड भेजे प्लस बन जाएगा प्लस पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए माइनस वन ठीक है तो फाइनली फाइनली अगर आपको वन अपॉन एक्स से चाहिए वन अपॉन एक्स से इफ यू वांट वन अपॉन एक्स से तो आपको क्या करना पड़ेगा इस पूरे पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी के साथ तो मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर हम राइट right साइड को पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी से मल्टीप्लाई कर दिए ना तो ये तो वन अपॉन एक्स से बन जाएगा इधर भी मल्टीप्लाई कर दो पी नॉट ए अपॉन पी नॉट पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी इन टू वाई ए नीचे प्लस पी नॉट बी तो आगे सॉल्व करते हैं हम फिर यू हैव टू मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई करने के बाद वन अपॉन दोनों साइड को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी के साथ वन अपॉन एक्स ए इज इक्वल टू वन अपॉन वाई ए पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी प्लस वन ठीक है तो दिस इज आर वाई ये पूरा तो वाई है दिस इज वाई दिस इज दिस इज एक्स और ये क्या हो जाएगा एम तो स्लोप मिल गया और ये वाला जो पूरा पार्ट है ये क्या हो जाएगा सी तो सी को सॉल्व कर लो सी को सॉल्व करते ही वो आ जाएगा पी नॉट वन माइनस पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी एंड दैट इज इक्वल टू पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी तो फिर हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर बी थोड़ा लेंदी था बट ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे फिर तो आप लोग को अप्रोच क्या रखना है वो समझ कर रखना है ठीक है सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टीन विच ऑफ द ideal बाइनरी लिक्विड solution बड़ा आसान सा क्वेश्चन है अब दो ही तो फॉर्मूला होता है एक रॉर्स लॉ का लिक्विड स्टेट वाले मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला और एक वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला तो यहाँ पे वाई ए जो दिया हुआ है और वाई बी ये सारे वाई वाई में दी हुई है और लिखा हुआ है दीज आर मोल फ्रैक्शन फेज अब मोल फ्रैक्शन वेपर फेज है इसका मतलब हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है अपॉन पी नॉट ए प्लस वाई बी अपॉन पी नॉट बी तो बस फिर तो ये क्लियर है साफ है यहां से क्या होगा इलेवेंथ में हमें सॉरी क्वेश्चन नंबर थर्टीन लॉट ऑफ वन अपॉन पी टोटल वर्सेज वाई एज लीनियर क्वेश्चन नंबर फोर्टीन चार ए मिलकर क्या कर रहे हैं ए फोर बना रहे हैं ठीक है डायमेराइज okay? क्या होता है दो मिलकर एक बनाए ट्राइमेराइज क्या होता है तीन मिलकर एक बनाए टेट्रामेराइज चार मिलकर एक बनाए ओके okay? तो so, हमें पता करना है यहां पर वेंट ऑफ फैक्टर शुरू में लेट सपोज वन था ये जीरो ये अगर एक्स चला गया अगर ये एक्स टेटमराइज हो गया तो ये कितना बनेगा एक्स बाई फोर बनेगा फोर से वन बनता है तो एक्स से कितने बनेंगे एक्स बाई फोर फोर से एक चार से एक बन रहा है एक से वन बाई चार बनेगा एक्स से एक्स बाई फोर बनेगा एक ठीक है चलो तो अब क्वेश्चन में दिया हुआ है ये ये वाली वैल्यू जो है एटी परसेंट डिग्री ऑफ एसोसिएशन गिवन इक्वेशन में दिस इज इक्वल टू पॉइंट एट तो ये एक्स की वैल्यू तो गिवन है ये एक्स क्यों है क्योंकि हमारे पास जो शुरू में पार्टिकल है वो एक है ओके okay? तो सॉल्व कर लेंगे हम इसे वन माइनस एक्स टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स वन माइनस एक्स प्लस एक्स बाई फोर दैट इज इक्वल टू वन माइनस थ्री एक्स बाई फोर ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अब सॉल्व कर लेते हैं अल्फा वाला जो इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में अल्फा वाले इंफॉर्मेशन को चलो सॉल्व करते हैं तो अल्फा की जो इंफॉर्मेशन है अल्फा की इंफॉर्मेशन अल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन टोटल टोटल नंबर ऑफ मोल्स एक्स कितना दे रखा है एक्स तो पता नहीं कैलकुलेट करना होगा दिस इज जीरो में राइज हो रहा है तो so हम लिख सकते हैं वन माइनस थ्री इन टू पॉइंट एट अपॉन फोर ये आ गया वन माइनस पॉइंट सिक्स सो इट इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन एक लिक्विड का है और, मिला दिया है, है, ये, ठीक है और और आपसे कहता है फाइंड आउट रिलेटिव मास ऑफ वॉटर एंड क्विनोलिन इन डिस तो क्या बात है वैसे तो इससे जो हम अभी फॉर्मूला आप पहले भी पढ़ चुके हो फॉर्मूला इमिसेबल लिक्विड का उसको याद भी रखना पर कैसे डराइव होता है देख लेते हैं एक बार जल्दी से तो हमारे पास एक मिक्सर है ठीक है मिक्सर में कौन इमल मिक्सर है ठीक है में कौन कौन है पानी भी है और क्वीनोलिन भी है क्विनोलिन क्विनोलिन भी है क्विनोलिन ओके तो आपस में मिक्स नहीं हुए हैं ये इसका मतलब ये सल्यूशन फॉर्म नहीं किए हैं अब सल्यूशन अगर

रेड वाला भी वेपर बनाया ये भी वेपर बनाया ओके okay. इसको डैश, फाइन, तो देखो यहां तो ये मिक्सचर फॉर्म नहीं किए इसमें तो ये इमेसेबल है लेकिन जब भी वेपराइज हो जाएंगे तब तो इनको मिक्स होना ही होगा क्योंकि ऐसा तो कोई गैस नहीं होता जो दूसरे गैस में मिक्स ना हो सके लिक्विड ऐसे होते हैं तो यहाँ पर दोनों अलग अलग है लेकिन इस वेपर स्टेट में दोनों को मिक्स होना ही होगा ठीक है तो अब हम किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं सपोज हम बात कर रहे हैं पार्शल प्रेशर ऑफ ए निकालना चाहते हैं तो वैसे तो रॉड लॉ हमें क्या कहता था कि पार्शल प्रेशर ऑफ ए विल बी इक्वल टू पी नॉट ए इन टू का लेकिन लेकिन यहाँ तो काई ए इस सोल्यूशन में तो काई ए की कोई बात ही नहीं है पूरा पूरा ये जो है ए अलग है और बी अपना अलग है दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है दोनों मिक्सचर फॉर्म ही नहीं किए हैं ठीक है ना इसका मतलब इसकी भी काई की वैल्यू वन है और इसकी भी काई की वैल्यू अपनी अलग वन है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए विल बी इक्वल टू पी नॉट ए फाइन क्वल टू अब हम पार्शियल प्रेशर को पूरे चैप्टर में दो तरीके से निकालते हैं एक राउल लॉ जो अभी लगाया और एक डाल्टन डाल्टन डाल्टॉ यहां ऊपर लगता है वेपर वेपर फेज फेज में में क्या करते हैं देखते हैं कि अच्छा टोटल प्रेशर कितना है टोटल प्रेशर मान लो यहां पीटी है तो पीटी इंटू इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट इन वेपर स्टेट तो हम डाल्टन डाल्टॉ लगाएंगे फिर से चलिए देखते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए यहां पर उतना ही होगा जितना टोटल प्रेशर इन टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर स्टेट होगा ओके okay? तो ये तो है वाई ए है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर स्टेट काई मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड स्टेट और इमिसिबल लिक्विड में काई की वैल्यू वन होती है सबकी अपनी अपनी काई है वन 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 फाइन पी नॉट बी के लिए भी पी नॉट बी इज इक्वल टू पी टी इन टू वाई बी एंड इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी एज वेल इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं डिवाइड करने से क्या मिलेगा पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी इज इक्वल टू पीटी पी टी कैंसिल हो जाएगा वाई ए अपॉन वाई बी और वाई अपॉन वाई बी को आप क्या बोलोगे ये तो मोल फ्रैक्शन है ना मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी तो एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी डिवाइडेड बाई एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी एन ए प्लस एन बी कैंसिल हो गया तो ये रह गया एन ए अपॉन एन बी एन ए अपॉन एन बी और वाई ए अपॉन वाई बी तो चलो सॉल्व कर लिया है पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी को आप लिख सकते हो एन ए अपॉन एन बी का मतलब क्या होगा वेट ऑफ ए अपॉन मोलर वेट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई मोलर ये एन बी मतलब वेट ऑफ बी अपॉन मोलर वेट ऑफ बी तो जब आप निकालोगे आप समझ रहे हो ना ये जो एन ए एन बी है ये नंबर ऑफ मोल्स है इन वेपर स्टेट तो जो डब्ल्यू ए और डब्लू बी है ये भी क्या होगा वेट इन वेपर स्टेट एम एम तो मोलर वेट है डब्ल्यू डब्ल्यू क्या है वेट इन वेपर स्टेट तो अगर हम वेट की रेशियो निकालने जाए वेट की रेशियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेट ए अपॉन वेट बी इन वेपर स्टेट वेट की रेशियो क्या होगी वेपर स्टेट में तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी चेक करना आप पी नॉट ए एम ए अपॉन पी नॉट बी एम बी और ये जो फॉर्मूला है इसकी डेरिवेशन तो सीख लो लेकिन याद भी रखना तो इस क्वेश्चन में हम डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं फिर अब फॉर्मूले को फॉर्मूला तो मिल गया वेट ऑफ ए अपॉन वेट ऑफ बी इज इक्वल टू पी नॉट एम ए अपॉन पीनोट बी एम ए तो क्वेश्चन यही पूछा था हमसे बताओ क्या होगा वेट का रेशियो रिलेटिव मास ऑफ वॉटर एंड क्विनोलिन तो रिलेटिव मास ऑफ वॉटर एंड क्विनोलिन पूछी जा रही है हमसे तो वेट ऑफ वॉटर अपॉन वेट ऑफ क्विनोलिन इज इक्वल टू पीनोट ऑफ वॉटर कितना सेवन थ्री टू पॉइंट जीरो फोर इन टू मोलर वेट ऑफ वॉटर एटीन डिडेड बाई पिन बी कितना पिनॉट बी है molar weight इसका 129. Solve करेंगे इसको, तो यह आ जाएगा ट्वेल्व नाइन थ्री वन ठीक है तो क्वेश्चन इसमें ऑप्शन हो गया ए तो इस क्वेश्चन में आपका टाइम केवल कैलकुलेशन में जाना चाहिए था फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए ये वाला कमिंग टू क्वेश्चन नंबर इजी क्वेश्चन है थोड़ा लेंदी है लेंदी क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं कई बार लेंदी क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं क्या किया है कि यहाँ पर ये एक इक्वेशन दिया हुआ है ठीक है और कह रहा है कि देखो वेपर प्रेशर टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है ये आप जानते हो फिर कह रहा है कुछ कि टेम्परेचर बदलेंगे तो वेपर प्रेशर भी बदलेगा करेक्ट नेक्स्ट इफ द वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर ए इज पी ए ये इंपॉर्टेंट है टीए टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर पी ए है ठीक है इक्वेशन वेयर डेल्टा एच इज मोलर एंडी ऑफ वेपराइजेशन इन किलोजूल पर मोल आर यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है इफ एटमोस्फेरिक इफ at atmospheric pressure, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोजन गैस इज थ्री हंड्रेड कैलविन ये इंपॉर्टेंट है एटमोस्फेरिक प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट तीन सौ कैलविन है ठीक है टेम्परेचर कितना रहेगा जब ये हेलोजन uh, गैस एक हेलोजन गैस है वो जो बॉयल कर रहा है तो टेम्परेचर बता रहा है तीन सौ कैलविन तीन सौ कैलविन टेम्परेचर होगा लेकिन आप जानते हो कि उसका वेपर प्रेशर उस टाइम पे कितना होगा ऑफकोर्स एटमोसफेरिक प्रेशर के बराबर क्योंकि वो एटमोसफेरिक प्रेशर पे बॉयल कर रहा है तो उसका वेपर प्रेशर होगा 760 mm of Hg. Determine वेपर प्रेशर of this gas at T is equal to 290 kelvin. बस हमारे पास फॉर्मूला वगैरह सब दिया है हम बस पुट करेंगे सही सही, सही से. तो चलिए पुट करते हैं. One minus one minus P a P a P a. तो P a तो वो प्रेशर था ना जिसका टेम्परेचर जिसका करेस्पोंडिंग टेम्परेचर T a ते था. तो चलिए देखते हैं फिर पीए प्रेशर करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर टीए थ्री हंड्रेड कैल्विन पे प्रेशर कितना है थ्री हंड्रेड कैलविन पे वो बॉइल कर रहा है इसका मतलब उसका प्रेशर है 760 mm Hg. तो अपॉन पता नहीं कौन सा प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा एच डेल्टा एच अपॉन आर इन टू पी ए का टेम्परेचर टीए थ्री हंड्रेड स्क्वायर इन टू टी जो पूछा गया है टू नाइनटी माइनस थ्री हंड्रेड जिसका हम सेवन सिक्सटी प्रेशर लिखे वो टेम्परेचर यहां पुट करना ठीक है अब वैल्यू सही से पुट करना वैल्यू सही से पुट करना क्योंकि डेल्टा एच की वैल्यू गिवन है टू फोर पॉइंट नाइन फोर किलो जूल और आर की वैल्यू गिवन है आर की वैल्यू एट पॉइंट थ्री जूल तो आपको चेंज करना होगा यूनिट को तो ठीक है अगर आप आर की वैल्यू एट पॉइंट थ्री पुट कर रहे हो तो आप डेल्टा एच की वैल्यू को टू फोर फोर इन टू थाउजेंड पुट कर दो जूल जूल में कन्वर्ट कर दो ठीक है अब चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं इजी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है लगभग वन माइनस सेवन सिक्सटी अपॉन पी इसको सॉल्व कैलकुलेट करेंगे तो ये कुछ पॉइंट जीरो थ्री आ जाएगा, ठीक है ना सॉल्व करेंगे आगे, लेकिन माइनस के साथ आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि हंड्रेड दिया हुआ वैल्यू तो आ जाएगी सेवन सिक्सटी अपॉन वन पॉइंट थ्री थ्री और ये सॉल्व करने पे बन जाता है लगभग फाइव सिक्सटी नाइन के आसपास अब अगर प्रेशर आप पहले एम एम ऑफ एच में पुट हो तो इस बार भी आपको एम एम ऑफ एच में ही प्रेशर मिलेगा क्वेश्चन एटीएम में पूछता है तो क्या करोगे फाइव सिक्सटी एटीएम ठीक है इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा फाइन तो क्वेश्चन इजी था ये वाला है ना क्वेश्चन काफी इजी था फॉर्मूला भी दिया हुआ था कुछ करना ही नहीं था बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना था है ना? तो क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिपेंड्स ऑन इजी क्वेश्चन बहुत सॉलिबिलिटी किस पर डिपेंड करती है एक गैस की सॉलिबिलिटी ऑब्वियसली नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगी ऑब्वियसली नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगी किसने वो डिजॉल्व हो रहा होता है आप जानते हो पोलर नॉन पोलर है ना दीज ऑल फैक्टर्स ऑफकोर्स टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी ये भी करेक्ट है दिस इज ऑल्सो करेक्ट

कि ये जो क्वेश्चन में डायग्राम दिया ये सेमी पर्मल मेम्ब्रेन का डायग्राम दिया राइट right? और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि देखो नहीं आपको बताना है फुली पर्मियबल मेम्ब्रेन के बारे में अगर यहाँ पर अगर यहाँ पर ये यह नहीं होकर फुल्ली पर्मिएबल होता फुल्ली पर्मिएबल तो क्या होता फुल्ली पर्मिबल होने से है ना तो क्या होगा फुल्ली पर्मिबल होने से देखो फुल्ली पर्मेबल है तो सोल्यूड भी मूव करेगा सॉल्वेंट भी मूव करेगा राइट right? और uh, कौन कहाँ मूव करेगा किधर किधर मूव करेगा तो नेचर कहता है हमेशा मूवमेंट उस रीजन से होती है जिधर कोई ज्यादा होता है टू जिधर वो कम होता है राइट तो देखते हैं एनए ज्यादा किधर है एनए ज्यादा है टू मोलर की तरफ तो टू मोलर से वन मोलर की तरफ एनए मूव करेगा फुल्ली पम्बेबल है ना सोल्यूड भी मूव कर सकता है और वॉटर किधर मूव करेगा जहां वाटर ज्यादा है वाटर कहां पर ज्यादा रहता है वाटर डायल्यूट सोलूशन में ज्यादा रहता है तो वाटर हमेशा डायल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ मूव करेगा दैट इज वन मोलर से टू मोलर की तरफ ठीक है तो फुल्ली पमेबल में क्या होता है ना कि सब सभी मूव कर रहे हैं सोल्यूट भी मूव कर रहा है अपना और सॉल्वेंट भी मूव कर रहा है लेकिन नेट मूवमेंट जो होगी वो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है नेट मूवमेंट किधर आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो क्वेश्चन इजी है फिर से ये तो हम आंसर देंगे एन ए और डी ऑप्शन करेक्ट है वैल्यू ऑफ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट ओके फाइन अगेन एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया के एफ इज इक्वल टू आर टी एफ नॉट स्क्वायर इन टू मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन थाउजेंड इंटू डेल्टा एच फ्यूजन फॉर्मूला ये वाला याद होना चाहिए Kf is equal, देखो इजी क्वेश्चन में तो फॉर्मूला दिया रहेगा लेकिन नहीं दे सकता है एडवांस इक्वेशन में तो के एफ इज इक्वल टू आर टी एफ नॉट स्क्वायर इन टू एम ऑफ सोल्वेंट है ना एम ऑफ सोल्वेंट क्या है यहाँ पर मोलर वेट ऑफ सोल्वेंट टी एफ नॉट स्क्वायर क्या है फ्रीजिंग टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन थाउजेंड इन टू डेल्टा एच डेल्टा एच फ्यूजन अब डेल्टा एच फ्यूजन क्या है चेंज इन एंथल ड्यूरिंग फ्यूजन तो इसका मतलब है के एफ ऑफ सॉल्वेंट इन सभी बातों पे डिपेंड करेगा जो उसके फॉर्मुला में दिख रहा है आपको तो कौन कौन सी बातें हैं वो कौन कौन सी बातें हैं आर तो कांस्टेंट होता है दिक्कत नहीं है ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट आप जानते हो ना सिर्फ सॉल्वेंट फ्रीज होता है तो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का ये है मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट और यह है डेल्टा एच फ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट इट मीन सॉल्वेंट सॉल्वेंट सॉल्वेंट। के एफ पूरी पूरी सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है और किस पे डिपेंड करती है फ्रीजिंग पॉइंट पे ऑफ फ्यूजन पे यस एंड मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट पे यस तो बी सी डी ऑप्शन करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी

अगर काई ए की वैल्यू जीरो हो जाए तो काई बी की वैल्यू वन हो जाएगी ना इसका मतलब ये बात किसकी हो जाएगी प्योर बी की और प्योर बी का जो प्रेशर आएगा उसको पीनॉट भी बोलते हैं तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें नॉट भी मिल जाएगा नॉट बी इज इक्वल टू इसकी वैल्यू जीरो पुट कर दो काई ए की वैल्यू ए है ही नहीं ठीक है टू सिक्सटी इन टू वन टू सिक्सटी एम एम ऑफ एच जी अगर हम काई ए इज इक्वल टू वन रखें काई बी को ज़ीरो कर दें तो हमें क्या मिलेगा सिर्फ ए का प्रेशर मिलेगा क्योंकि तो बी नहीं है अब उस प्रेशर को क्या बोलोगे पी नॉट ए बोलेंगे पी नॉट ए इज इक्वल टू हंड्रेड इंटू वन प्लस टू सिक्सटी इंटू जीरो हंड्रेड एम एम ऑफ एच जी ओके नाउ ये तो पक्का हो गया ना कि ये जो आपका प्योर कॉम्पोनेंट आया था कहीं एक ऑप्शन में है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए इज हंड्रेड यस एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी टू 260 करेक्ट सही है करेक्ट है ये तो और देखते हैं क्या सही है तो देखो टोटल प्रेशर इस मिक्सचर का जो है वो हमें मिला है ये वाला टोटल प्रेशर है और अगर हम इन इन दोनों में से समझ पा रहे हो क्या इन दोनों में से जो ज्यादा वोलेटाइल कॉम्पोनेंट है वो है बी उसकी वेपर प्रेशर क्योंकि ज्यादा है दिस इज मोर वोलेटाइल बी इज मोर वोलेटाइल और जो कम वोलेटाइल सब्सटेंस है वो है ए ए कम वोलेटाइल है ए इज लेस वोलेटाइल ए इज लेस वॉलेटाइल तो इसका ये मतलब बन रहा है कि बी जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा होगी टोटल प्रेशर है ना और ए जितना ज्यादा होगा उतनी कम होगी टोटल प्रेशर क्योंकि ए को अगर आप बढ़ा दोगे ना तो नॉन वोलेटाइल कॉम्पोनेंट बढ़ गया नॉन वोलेटाइल कॉम्पोनेट अगर कम वोलेटाइल कॉम्पोनेंट बढ़ रहा है तो वो कम वेपर बनाएगा और अगर वेपर कम बन रहा है तो इसका मतलब है वेपर प्रेशर कम आएगी वेपर प्रेशर को बढ़ाना है तो वोलेटाइल कॉम्पोनेंट को, तो को बढ़ाओ ठीक है इट मींस सबसे ज्यादा जो हमारा वेपर प्रेशर यहां पर आ सकता है वो तब आ सकता है जब हम वोलेटाइल कॉम्पोनेंट को बढ़ाते, बढ़ाते 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 वन तक ले जाए हंड्रेड परसेंट और सबसे कम हमारा जो वेपर प्रेशर यहाँ आ सकता है वो तब आएगा जब हम वोलेटाइल कॉम्पोनेंट को ज्यादा वोलेटाइल कॉम्पोनेंट को जीरो कर दें हंड्रेड ठीक है तो बाकी सभी ये तो रेंज बन गया ना हंड्रेड से लेकर टू सिक्सटी हंड्रेड लीस्ट पॉसिबल वेपर प्रेशर है और टू सिक्सटी मैक्सिमम पॉसिबल वेपर प्रेशर है बाकी जितने भी वेपर प्रेशर होंगे आर डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स आर डिफरेंट मोल फ्रैक्शन वो कम होंगे 260, और ज्यादा होंगे दैन हंड्रेड ठीक है तो हमारा ऑप्शन और भी कुछ चेक करो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज लेस दैन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी कॉम्पोनेंट यस यस वेपर प्रेशर ऑफ सल्यूशन सोल्यूशन मतलब मिक्सचर इज लेस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी कॉम्पोनेट ऑब्वियसली तो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है 100 से 260 तक प्योर ए रखोगे तो 100 रहेगा प्योर बी रखोगे तो 260 रहेगा उसके बीच में कोई सा भी मोल फ्रैक्शन रखोगे तो वेपर प्रेशर 100 से 260 के बीच में लाई करेगा ओके okay? तो ठीक है फाइन डिस्कशन ओवर हो गई है और आपके जो भी डाउट्स हैं जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है उस क्वेश्चन को आप जरूर देखो समझो और अगर फिर भी कुछ डाउट आता है तो आप मुझे टेक्स्ट करके डाउट पूछ सकते हो स्पेशली मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था और बाकी सारे क्वेश्चन बड़े आसान थे तो बाकी सभी आपसे हो जाने चाहिए थे है ना तो ऑल द बेस्ट स्टडी वेल थैंक यू